जय माता दी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आमल की एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। साल 2023 में 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को आमल की एकादशी रहेगी। आमल का मतलब होता है आंवला। आंवले का विष्णु भगवान को बहुत प्रिय फल है और आमल की एकादशी दिन शुक्रवार के दिन रहेगी। शुक्रवार को लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं का हल करने के लिए, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे आपके किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट आ रही है, तो वो आपकी रुकावट इस एकादशी पे छोटे से उपाय करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं आपको आमल की एकादशी पर छोटे से उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके परिवार में किसी भी बात को लेकर बार बार कोई समस्या आ रही है और आपके काम कोई भी नहीं बन रहे, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी श्रद्धा और भावना से आपने थोड़े से आंवले लेकर आपने शिव मंदिर में जाकर आंवले को वहां पर रख कर आना है, वहां पर चढ़ा कर आना है। सोचकर अपने परिवार के बारे में जो भी कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर आपके कोई भी काम नहीं बन रहा, पैसे की परेशानी आपको बार बार जीवन में देखने को आ रही है और आपके घर में आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो रंग भरी एकादशी जिसको आमल एकादशी कहा जाता है, इस दिन आपने शिवलिंग पर जाकर थोड़ा सा गुलाल, वहां पर आपने लाल और पीला गुलाल वहां पर शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है और ऊपर जल डाल कर आना है। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके घर में किसी को सेहत के अकॉर्डिंग या आपके घर में सेहत के ऊपर बार बार कोई संकट बना हुआ है, बार बार आपके घर में बीमारी आ रही है, तो आंवले का जूस लेकर परिवार का हाथ लगवा कर शिव मंदिर में जाकर एकादशी के दिन आपने अभिषेक करने शिवलिंग पर, तो आपके घर में अगर कोई बीमारी है या कोई बार बार संकट आपकी सेहत को लेकर आ रहा है, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।